आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सोया बड़ी की बहुत ही शानदार सी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सोया बड़ी की सब्जी आपने बहुत बार बनाई और खाई होगी, एक बार इस तरह से बना के देखिए। काफी सिंपल है लेकिन खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने ये 1 कप सोया बड़ी लिया है और इसी के अकॉर्डिंग मैं सारे मसालों का प्रपोर्शन आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सोया बड़ी को सोक करना है, उसके लिए मैंने पानी को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी यहाँ पे बॉयल होना शुरू हो गया है, तब इसमें जो हमने ये सोया बड़ी ली है उसको ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच नमक और जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा इसके ऊपर ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से सोख होने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये भींग रहा है तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सोया बड़ी अच्छे से सोख हो गए हैं, तो अभी इनको स्क्वीज करके इनका सारा पानी निकाल देना है। सारे सोया बड़ी का पानी मैंने यहाँ पे स्क्वीज करके निकाल लिया है। तो अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है ये, इससे सिर्फ कलर आएगा। 1 पिंच यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच गरम मसाला, इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही, फ्रेश दही है ये, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच घी। तो अभी यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सारे सोया बड़ियों में मसाले की एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पे हाथ का यूज करिए, हाथ से ये बहुत ही अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारे सोया बड़ी को मैंने मसाले से अच्छे से कोट कर दिया है। अभी इसमें ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट के लिए इसे इसी तरह से रेस्ट करने देंगे। और जब तक यहाँ पे सोया बड़ी रेस्ट कर रहे हैं तब तक चलिए ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसी के साथ 2 टमाटर है, 7 से 8 कली लहसुन का है, 1/2 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। इसके साथ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें कि ये 2 तेज पत्ते हैं, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च है, और साथ में यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसालों में मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, और 3-4 टुकड़े मैंने यहाँ पे चक्री फूल का लिया है। तो सबसे पहले प्याज और टमाटर को रफली चॉप कर लेना है। प्याज और टमाटर को यहाँ पे मैंने रफली चॉप करके रेडी कर लिया है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म कर लिया है और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में ये सब्जी काफी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। वैसे अगर आपको सरसों का तेल पसंद ना हो तो जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हो वो यहाँ पे ले सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सूखी हुई लाल मिर्च, तेज पत्ता, और साथ में जो हमने खड़े मसाले लिए हैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। और जैसे ही खड़े मसाले चटक जाएंगे इसमें ऐड कर देंगे ये रफली चॉप किया हुआ प्याज, 1/4 चम्मच नमक, यहाँ पे पहले थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे। इस स्टेज पे नमक ऐड करने से प्याज जो है वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो प्याज को यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और जैसे ही प्याज गोल्डन कलर के हो जाएंगे इसमें ऐड कर देंगे रफली चॉप किया हुआ टमाटर, इसी के साथ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, साथ में ऐड कर देंगे ये लहसुन, थोड़ा सा पानी। हल्का सा पानी ऐड करने से जो भी हम सूखे मसाले ऐड करेंगे वो जलेंगे नहीं। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च, वैसे मिर्च का प्रपोर्शन आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च। मसालों को यहाँ पे 1 से 2 बार मिक्स कर लेना है, ज्यादा यहाँ पे भूनना नहीं है। जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे ये बिल्कुल झटपट से बनके और रेडी हो जाएंगे। 1 से 2 बार मसालों को चलाने के बाद अभी इसमें 1/2 कप से 3/4 कप तक पानी ऐड कर देंगे और इसमें ढक्कन लगा के 2 से 3 प्रेशर तक इसको कुक कर लेना है। तो ये देखिए 3 से 4 सीटी होने के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और प्रेशर को खुद से रिलीज होने दिया था। सारा प्रेशर यहाँ पे रिलीज हो गया है। तभी ढक्कन निकाल के मसाले को चेक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए प्याज टमाटर सभी कुछ अच्छे से गल गए हैं। तभी एक बार गैस को फिर से ऑन कर देंगे। तभी इस तरह से स्पून से मिक्स करते हुए सारे मसालों को अच्छे से मैश करते हुए इसको भूनना है। मसाले ऑलरेडी कुक हो चुके हैं तो बस सिर्फ इसे इस तरह से मैश करते करते मिक्स कर लेना है। इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच मटर मसाला। मटर मसाला प्योर वेजिटेरियन रहता है लेकिन इसको ऐड करने से सब्जी का फ्लेवर काफी एनहांस होगा। तो यहाँ पे मैं इसका 1 चम्मच ऐड करूंगी। अगर आप यहाँ पे मटर मसाला नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच मैं यहाँ पे ये मटन मसाला ऐड कर रही हूँ। मसाले को यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इस प्रोसेस में लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा और जैसे ही मसाला यहाँ पे भुन जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी और अभी ग्रेवी को बॉयल होने देंगे 15 मिनट के लिए। सोया बड़ी यहाँ पे मैरिनेट हो गए हैं और जब तक ग्रेवी बॉयल हो रही है तब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच घी और घी जैसे ही मेल्ट होगा इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा और ये लौंग और काली मिर्च रोस्ट हो जाएंगे उसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे ये मैरिनेटेड सोयाबीन। ये लगभग 15 मिनट के लिए मैरिनेट हो चुके हैं। तो अब इसे भून लेना है जब तक इसका सारा मॉइस्चर ड्राई नहीं हो जाता और सोयाबीन के ऊपर एक अच्छी सी गोल्डन कोटिंग नहीं आ जाती। और ये देखिए यहाँ पे सोया बड़ी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनका सारा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो गया है और इनके ऊपर एक अच्छी सी गोल्डन कोटिंग आ गई है। तो बस इतना ही इन्हें फ्राई करना था। इस तरह से सोयाबीन को फ्राई कर लेने से
सब्जी का टेस्ट जो है वो काफी एनहांस होता है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे। अब चलिए अभी ग्रेवी को चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी भी अच्छे से बॉईल हो रही है। तो इस स्टेज पे इसमें ये फ्राई किए हुए सोया बड़ी ऐड कर देंगे। एक बार इन्हें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग पानी को चेक कर लीजिएगा। अभी इसमें ऐड कर देंगे धनिया की पत्ती, आधा चम्मच कसूरी मेथी क्रश की हुई, जिसको कि मैंने पहले से ही गर्म करके और क्रश कर लिया था। साथ में ऐड कर देंगे 1 पिंच गरम मसाला, और इसी के साथ यहाँ पे टेस्ट को बैलेंस करते हुए नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा सा नमक दो जगह ऐड किया है। एक बार सोयाबीन को बॉईल करते समय और दूसरा प्याज को गलाते समय। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैलेंस करते हुए नमक को ऐड कर लेना है। थोड़ा सा आधा कप पानी मैंने यहाँ पे और ऐड किया है, और अभी इसमें ढक्कन लगा के 3 से 4 प्रेशर तक इसको कुक कर लेना है, जिससे हमारे सोयाबीन जो है वो अच्छे से गल जाए। 3 प्रेशर के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया था और प्रेशर को खुद से रिलीज होने दिया था। ये देखिए सारा प्रेशर जो है वो रिलीज हो गया है। चलिए फिर सब्जी को चेक करते हैं। वाओ, और ये देखिए तो यहाँ पे शानदार सोयाबड़ी की सब्जी रेडी हो गई है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। सोयाबड़ी की सब्जी एंजॉय करने के लिए रेडी है। आप इसे एंजॉय करिए सिंपल रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, इवन ये स्टीम राइस और पुलाव के साथ भी काफी अमेजिंग लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।